हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टेक्सटाइल के बारे में, जहां से आपके वन वन वर्ड और वन लाइनर क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहां हम 100+ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो सारे ही क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर लर्न कर लेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन ऑफ टेक्सटाइल। फर्स्ट हमारा है कि विश्वव्यापी रेशा कौन सा है। तो वर्ल्ड वाइड जो आपका रेशा देखने को मिलता है वो है कपास, यानी कि कॉटन का रेशा। स्टेप्स क्या कहलाते हैं, या फिर आपके जो लिंटर्स होते हैं, स्टेपल्स जो आपके फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं। जो छोटे तंतु होते हैं नेचुरल फाइबर, जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, आधे इंच या उससे कम के होते हैं, वो आपके लिंटर्स या फिर स्टेपल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में हमें इन्हें हम स्टेपल्स के नाम से भी जानते हैं। कपास के छोटे तंतु होते हैं। फिलामेंट्स कौन से होते हैं, कपास के जो बड़े तंतु होते हैं, या फिर जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे फिलामेंट्स कहलाते हैं, जो बड़े होते हैं साइज में। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, कपास रेशे की लंबाई कितनी होती है। आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक की इसकी लंबाई ऑन एन एवरेज देखी जाती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता का कपास कहाँ देखने को मिलता है, तो मैक्सिको में 4 इंच का जो आपका कपास है वो देखने को मिलता है, जो बेस्ट क्वालिटी का कहा जाता है। एस्बेस्टस जंतु जो आपके एस्बेस्टस जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जंग अवरोधक होते हैं, पानी अवरोधक होते हैं और अग्नि अवरोधक हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जंग अवरोधक तंतु का नाम बताएं, पानी अवरोधक का या अग्नि अवरोधक का, तो आप बताएंगे एस्बेस्टस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला मानवकृत रेशा कौन सा है, तो रेयॉन है। और रेयॉन का भी पर्टिकुलर पार्ट नाइट्रोसेल्यूलोज है। इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेशम कीट लार्वा में क्या उपस्थित होता है, सैरसिन और पैक्टिन। रेशम का जो कीट का लार्वा होता है जिससे वो धागे को डेवलप करता है, उसके अंतर्गत आपका सैरसिन और पैक्टिन पाया जाता है। जादुई रेशा कौन सा है, नायलॉन। वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। रेशम की लंबाई कितनी होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, ये आपकी कोकून के साइज पर डिपेंड करती है कि साइज कैसा है। जितना बड़ा कोकून होगा उसकी उतनी बड़ी लंबाई होगी। रेयॉन की शक्ति गीली अवस्था में कितने परसेंट तक घट जाती है, तो रेयॉन की शक्ति 40% तक खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। कपास को सूक्ष्मदर्शी संरचना से देखने पर कैसा लगता है, तो ये देखने में घुमावदार रिबन जैसा लगता है, ट्विस्टेड रिबन जैसा दिखाई देता है। परिबलन क्या है, कपास का एक तंतु से दूसरे तंतु को जोड़ने की जो क्षमता है उसे हम परिबलन कहते हैं। हम एंट लगाते हैं, एस ट्विस्ट जेड ट्विस्ट देते हैं, तो उस ट्विस्ट से जब धागा जुड़ता है तो परिबलन के कारण जुड़ता है। क्वेश्चन 15, रेयॉन का पिता किसे कहते हैं, तो रेयॉन की खोज आपकी हिलेरी चार्डोनेट वैज्ञानिक ने की थी, उन्हीं को रेयॉन का पिता कहते हैं। रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है, रसायन क्या है, उसमें क्या क्या रसायन केमिकल्स जो डलते हैं, तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉटन लिंटर्स को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 के बारे में, बफ क्या है, ब्रोकेड वस्त्र है ये, रंगीन सिल्क के धागे और सोने चांदी के धागों से मिलकर बनता है, बफ्ट कहते हैं, ब्रोकेड फैब्रिक है ये। नेक्स्ट है हिमरस क्या है, सूती औरंगाबादी वस्त्र होता है जो कि सर्दियों में पहना जाता है, जिसमें सूत के साथ में रेशमी काम किया जाता है, मतलब कॉटन और सिल्क के आपके जो धागे हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। आमरस क्या है, केवल रेशम का धागा जिससे वस्त्र बनते हैं वो आपका आमरस होता है, और वो भी औरंगाबाद में ही बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 19, एंटी स्नैक परिसज्जा क्या है, नेटेड फैब्रिक पर उनको उधेड़ने से बचाने के लिए एंटी स्नैक की जो परिसज्जा है, फिनिश है, वो की जाती है। क्वेश्चन 20, मर्सराइजिंग परिसज्जा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लस्टर और एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए की जाती है। ग्रे गुड्स कौन से होते हैं, अनफिनिश जो होते हैं जिन पर कोई भी परिसज्जा अभी तक नहीं की गई है। कार्यक्षमता बढ़ाने वाली परिसज्जा कौन सी होती है, फंक्शनल और स्पेशल फिनिश को हम कार्यक्षमता बढ़ाने वाली परिसज्जा कहते हैं। फंक्शनल फिनिशेस हैं कौन सी, फायर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, वाटर रेपेलेंट है, क्रीज रेजिस्टेंट है और रिंकल रेजिस्टेंट है, मतलब आग रोधक है, बुलेट यानी कि जो गोली को आर पार ना करे वो, वाटर रेपेलेंट पानी अवरोधक है, क्रीज रेजिस्टेंट है सुकड़ावन ना डाले जो, और रिंकल जो कि ये कपड़े में वो सुकड़ने से बचाए, ये आपकी फंक्शनल फिनिशेस होती है। टेम्पररी फिनिश कौन सी है, ड्राई क्लीन, स्टार्च और ब्लूइंग, जैसे कि नील लगाते हैं तो वो आपकी टेम्पररी फिनिश है जो कुछ समय बाद हट जाती है। सेमी ड्यूरेबल कौन सी होती है, ब्लीच है और कुछ डाइज हैं, ये आपकी सेमी ड्यूरेबल मतलब कुछ दो चार धुलाई तक रुकती हैं फिर हट जाती हैं। ड्यूरेबल हैं जो परमानेंट रहती हैं, जैसे कि परमानेंट प्लीट्स हैं, रिंकल्स हैं, रिंकल रेजिस्टेंस है, ये आपकी परमानेंट आपकी फिनिशेस होती हैं।
और उसके बाद आता है केमिकल फिनिश क्या है आपकी, तो ये वेट फिनिश होती है, फायर प्रूफ और क्रीस रेजिस्टेंस इसमें की जाती है। मैकेनिकल फिनिशेस कौन सी हैं, जो ड्राई फिनिश होती हैं, दीज आर टेम्पररी और सेमी ड्यूरेबल। जो आपकी मैकेनिकल फिनिशेस होती हैं वो आपकी या तो सेमी ड्यूरेबल या फिर टेम्पररी हो सकती हैं। ये बीटिंग, ब्रशिंग, कैलेंडरिंग और फिलिंग के द्वारा डेवलप की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 30 है, वस्त्र की अवशोषण क्षमता बढ़ाने वाली प्रसज्जा कौन सी है, स्काउरिंग। स्काउरिंग के द्वारा हम वस्त्र की एब्जॉर्बेंसी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें साबुन के पानी से धोने पर वस्त्र जो है उसकी एब्जॉर्बेंसी पावर बढ़ जाती है। डीगमिंग क्या है, रेशम के धागे पर सिल्क गम को हटाना, वो आपकी डीगमिंग कहलाती है। क्वेश्चन 32, वस्त्र के पीलेपन को दूर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। प्रोटीन रेशे पर कौन सी ब्लीच उपयोग करते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। सूती वस्त्र पर कौन सी ब्लीच यूज़ की जाती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ की जाती है। वस्त्रों को हैवी, स्टिफ, क्रिस्पी बनाने वाली परिसज्जा स्टार्चिंग या फिर स्टिफनिंग कहलाती है। 35, वस्त्रों को हैवी स्टिफ बनाने के लिए ठीक है, स्टार्चिंग क्या है, क्या है, कॉटन, मसलिन, पॉपलिन, कॉम्ब्रिक और थिन सिल्क पर की जाती है। इंडस्ट्रियल आयरनिंग को हम किस नाम से जानते हैं, कैलेंडरिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिनिशिंग। प्री श्रिंकेज ट्रीटमेंट क्या है, सेंफोराइजिंग और एंटी श्रिंकेज और श्रिंक प्रूफ आपकी प्री श्रिंकेज ट्रीटमेंट्स होते हैं। मर्सराइजेशन केमिकल कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वॉश एंड वियर कौन से होते हैं, कॉटन, लिलिन और वुल फैब्रिक को वॉश एंड वियर कहते हैं। खाकी डाइज कौन सी होती हैं, जो प्राकृतिक स्रोत से मिलती हैं। रंगाई की विभिन्न स्टेजेस कौन सी हैं, फाइबर, यार्न, फैब्रिक एंड गारमेंट, चारों स्टेजेस में कपड़े को रंगा जा सकता है। 43 है आपका, ब्लेंडेड फैब्रिक पर रंगाई कब करें, फैब्रिक स्टेज में, जब ब्लेंडेड है कपड़ा, मतलब दो अलग अलग यान से बना हुआ कपड़ा है, तो फैब्रिक स्टेज में उसको डाई हमें कर देना चाहिए। पीस डाइंग क्या होती है, जब गारमेंट को हम डाई करते हैं, किसी कपड़े को, किसी बने हुए वस्त्र को। डेकोरेटिव डाई क्या है, जब टाई एंड डाई और बाटिक को यूज़ करते हैं, तो डेकोरेटिव वो कपड़े के ऊपर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए की जाती है। त्रितिक क्या है, कपड़े पर रनिंग स्टिच से डिज़ाइन बनाकर उस जब उस धागे को यूँ खींच देते हैं, फिर उसको टाई एंड डाई में डाल देते हैं, तो वो आपका त्रितिक कहलाता है। जो जगह धागे की होती है वहाँ पर कलर नहीं चढ़ता है, बाकी सब जगह पर कलर चढ़ जाता है। पटोला ऑफ गुजरात एंड बांधनी ऑफ राजस्थान क्या, कौन सा ट्रेडिशनल वर्क है, टाई एंड डाई। पटोला ऑफ गुजरात एंड बांधनी ऑफ राजस्थान दोनों में ही टाई एंड डाई को यूज किया जाता है। लहरिया टाई एंड डाई, लहरिया टाई और टाई एंड डाई जो है वो बुने कपड़े पर बांधनी के द्वारा किया जाता है। धागे पर टाई एंड डाई पटोला में किया जाता है। सांगानेरी राजस्थान की ब्रॉक प्रिंटिंग है। शांति निकेतन ये आपकी वेस्ट बंगाल की बाटिक को कहते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीकरक व्यंजक क्या है, सूर्य का प्रकाश और नमी। रासायनिक विरंजक यानी कि ब्लीचेस कौन कौन सी हैं, केमिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, और पोटेशियम क्रोमेट, ये सभी आपके केमिकल ब्लीचेस हैं। अवकारक विरंजक कौन से होते हैं, जिंक, चून, फेरस सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये आपके अवकारक विरंजक होते हैं। ऊनी व रेशमी वस्त्रों से दाग कैसे हटा सकते हैं, बेस्ट है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करना, अगर वो नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है। इफ़ यू हैव बोथ ऑफ द ऑप्शंस यू विल सिलेक्ट फर्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्टिकल ब्लीच क्या है, फ्लोरोसेंट ब्लीच को हम ऑप्टिकल ब्लीच कहते हैं। क्वेश्चन 57, अवशोषक क्षमता बढ़ाने की परिसज्जा अमोनिया यौगिक और पाइल, यानी कि केमिकल में तो आप अमोनिया यौगिक करेंगे और पाइल आपकी फिजिकल होगी, जिससे कि एब्जॉर्बेंसी बढ़ती है, एब्जॉर्बेंसी आपकी स्काउरिंग से भी बढ़ रही थी। मोयरिंग परिसज्जा क्या है, लहरिया इफेक्ट्स लाइक वाटर देने के लिए मोयरिंग की जाती है। नामदा क्या है, ऊंट के निष्कृष्ट रेशे प्लस नमी प्लस दबाव पर डालकर जो आपका कालीन बनाया जाता है वो नामदा कहलाता है। पुल्ड ऊन क्या है, मरे भेड़ की खाल से खींच कर जो ऊन लिया जाता है वो आपका पुल्ड ऊन होता है। अदरवाइज हम काटते हैं, जब आपका भेड़ जिंदा होता है तो उस पर से काट लेते हैं, मरने के बाद खींच लेते हैं। कोल को क्या है, साधारण वस्त्र है जो 120 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला होता है, उसे हम कोल को कहते हैं, कैल को, सॉरी। ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है, दो भिन्न रेशे मिलाकर जो कपड़ा बनता है वो ब्लेंडेड फैब्रिक है। डेनियम क्या है, भारी सूत का कपड़ा जो ट्विल वीव के द्वारा बनाया जाता है, तिरछी इसमें रेखाएं दिखाई देती हैं। इसमें ताने का धागा जो है वो ब्लू कलर का होता है, मतलब लंबाई में जो धागा चल रहा होता है वो ब्लू कलर का होता है। तेरछा, पन्ना, हजारी, जामदानी ये क्या है, ये ढाका के वस्त्र हैं, इसमें सोने चांदी के तार यूज होते हैं और प्राचीन वस्त्र की
कैटेगरी में आते हैं इससे साड़ियाँ बनती हैं। कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन है। चंदेरी साड़ी कौन सी है जिस पर हल्का बॉर्डर सिल्क से बनाया जाता है और ये एमपी में बनती हैं, मध्य प्रदेश में। पटोला क्या है? गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। पाटन काठियावाड़ गुजरात से इसका उद्भव हुआ है। पाटन जगह है जो काठियावाड़ में है और काठियावाड़ आपका गुजरात में है। बांधनी या बंदेज राजस्थान से है, रेजिस्ट डाइंग करते हैं और वाइब्रेंट कलर्स को इसमें यूज किया जाता है। 69 बीटिंग समानांतर लाने के, इस बीटिंग क्या है? ये ताने और बाने को समानांतर लाने के लिए की जाती है। सिंजिंग क्या है? सतह को चिकना करने के लिए यूज की जाती है। यान काउंट, यान नंबर या सूत संख्या क्या होती है? 1000 मीटर धागे का जो भार होता है वो आपका यान काउंट कहलाता है। क्वेश्चन 72, फैब्रिक काउंट क्या है? प्रति इंच धागे में जो ताने और बाने की संख्या होती है वो आपकी फैब्रिक काउंट कहलाती है। वस्त्र संतुलन क्या है? बैलेंस फैब्रिक बैलेंस क्या है? ताने बाने का अनुपात 1:1 जो होता है वो आपका बैलेंस होता है, मतलब कितना उसमें ताने हैं और कितने बाने हैं, 1:1 इज बेस्ट बैलेंस फैब्रिक बैलेंस। बीज के बाल को कहाँ से मिलते हैं? आपके कपास के बीजों को हम बीज के बाल कहते हैं। तकिए में कौन सा रेशा भरा जाता है? तो कपोक भरा जाता है जो कि कॉटन जैसा होता है लेकिन उसको हम ऐंठ कर धागा नहीं बना सकते। तने वाले तंतु या रेशा कौन कौन से हैं? देखिए लिलिन जो कि फ्लैक्स से मिलता है, जूट जो कि जूट से मिलता है 6 से 12 फुट का होता है, आपका हेम्प जो कि कैनवेस सटाइवा से मिलता है, रेमी जो कि जिसे हम चाइना ग्रास भी कहते हैं, बोहेमेरिया नीविया से मिलता है, सन से मिलता है। क्वायर रेशा कौन सा है? नारियल के छिलके से जो मिलता है। पत्तियों से कौन कौन से मिलते हैं? पिन्ना जो कि अनन्नास की पत्ती से, सीसल जो कि सीसल के पौधे से मिलता है, ये पत्तियों से मिलने वाले रेशे हैं। कपास की खेती की जलवायु कैसी होती है? काली मिट्टी होनी चाहिए, क्षारीय मिट्टी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय मौसम होना चाहिए। क्वेश्चन 79, कपास के रेशों का व्यास 16 से 20 माइक्रोन होता है। भारत कपास की लंबाई 2.5 से 3 इंच होती है। अमेरिकी कपास की लंबाई 3 इंच होती है। मिस्र की 4 इंच होती है जो कि बेस्ट क्वालिटी की होती है। लिलिन के लिए भूमि मिस्र की बेस्ट है। लिलिन सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। सर्वोत्तम लिलिन आयरलैंड का है। लिलिन की जलवायु समशीतोष्ण नम आर्द्र भुरभुरी मिट्टी वाली और उपजाऊ होती है। कुप्रामोनियम रेयॉन का उत्पादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये LH देशपेज ने किया था जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। और क्वेश्चन 88, विस्कोस रेयॉन किसने किया था और कब किया था? 1892 में चार्ल्स फ्रेडरिक क्रॉस ने किया था और एडवर्ड जॉन बीवन ने किया था, इन दोनों ने मिलकर किया था। 89, डी लस्टरिंग एजेंट रेयॉन में कौन सा है? टिटेनियम डाइऑक्साइड और मोम या फिर पैराफिन, आपका डी लस्टरिंग यानी कि आपकी चमक को कम करने वाले ये एजेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 90, सबसे कमजोर प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी रेशा कौन सा है? ऊन है। इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? ऊन में होती है। सर्वोत्तम प्रकार का ऊन किस जानवर से मिलता है? मोरीन भेड़ से। 1 इंच ऊनी रेशे में शल्कों की संख्या होती है 1000 से 4000। फ्लैक्स पौधे से प्राप्त धागा लिलिन कहलाता है। ढाका का मलमल जामदानी है जिसमें सोने चांदी के तार लगते हैं। हवा के समान हल्का वस्त्र आवे हवा कहलाता है। फाइनेस्ट फैब्रिक कौन सा है? मलमल ढाका का। ढाका की साड़ियों पर छोटे छोटे फूल पत्तियां के नमूने बनते हैं तो उसे हम फूलवार कहते हैं। पन्ना हजारे क्या है? जब ढाका में ही साड़ियों पर फूलों के गुच्छों वाली डिजाइन बनाई जाती है तो वो पन्ना हजारे कहलाती है। तारे तार क्या है? बिग फ्लावर्स जिसमें होते हैं, जिसमें बिग फ्लावर्स होती हैं, लीफ मोटिव्स होते हैं साड़ी पर, वो आपके तारे तार कहलाता है। ठीक है, जतार क्या है? फूलों को के जाल वाले नमूनों को हम की वाली साड़ी, फूलों के जाल वाले नमूनों वाली साड़ी जतार है। चंदेरी साड़ी कहाँ से फेमस है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। फेमस बांधनी कहाँ की है? राजस्थान की। पाठथान वस्त्र से। पीताम्बर प्रसिद्ध वस्त्र है, हैदराबाद का पीताम्बर। अमरस विषय की विशेषता क्या है? रेशमी वस्त्र होता है और रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। यहाँ कंप्लीट होता है आपका टेक्सटाइल का रिवीजन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।